हेलो फ्रेंड्स, यस्टरडे आई मेड अ वीडियो ऑन दिस शेयर और मैंने कहा था कि शॉर्ट शॉर्ट आज अपर सर्किट लगेगा और आज वैसा ही हुआ। इसमें अपर सर्किट लगा है और अभी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है। जो लोगों ने लिया नहीं है वो एमओ में ऑर्डर लगा के रखिए, कल बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। बिकॉज आज इसे 11 रुपीज़ 55 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है। यह शेयर दोस्तों 20 to 25 रुपीज़ जा सकता है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि इसका जो है पोटेंशियल बहुत अच्छा है और बहुत अंडर वैल्यूड शेयर है आईटी कंपनी का, जो कि लोगों के ध्यान में नहीं था। बट इसमें वॉल्यूम बढ़ा तो मुझे ध्यान में आया, तो मैंने इसको तुरंत इम्पोर्ट आपको इन्फॉर्म किया और आज मुझे ऐसा लगा वैसा ही हुआ, अपर सर्किट लग गया है इसके अंदर। तो अभी भी इसमें चांस है, काफ़ी इसमें भागने का अभी चांस है इसके अंदर। अभी भी ये आज का क्लोजिंग था इसका 11 रुपीज़ 55 पैसा एंड 52 भी खाया था 12 रुपीज़ 50 पैसा। बट ये क्रॉस करके ऊपर जाएगा, हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट वन जो कि 8 रुपये से 17 रुपीज़ तक गया, वैसे ये शेयर 11 रुपीज़ से अभी भी 20 to 25 रुपीज़ तक जा सकता है। तो स्टिल यू कैन पुट इन एमओ ऑर्डर एंड बाय दिस कंपनी के बारे में बताऊंगा फिर से शॉर्ट में। ये कंपनी आईटी सर्विसेज में, ये क्लाउड होस्टिंग का काम करती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सर्विसेज का काम करती है, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, रेवेन्यू साइकिल ऑब्जर्वेशन, बाद में एआई का जो होता है वो एआई पावर्ड एनालिटिकल्स करती है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री को ये अपने आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसके क्लाइंट्स इंडिया और यूएसए में भी है। एंड दिस कंपनी इज ऑल्सो इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसका पी है ओनली 2.73, मतलब पी बहुत ही कम है दोस्तों। बुक वैल्यू इज 20, वी आर गेटिंग इन 11 रुपीज़। इसका ईपीएस है 4 का। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि चैलेंज करता हूँ कि कोई भी कंपनी बता दीजिए जिसका 10 रुपये का रेट है और ईपीएस है 4 का। तो ये कंपनी अभी भी बहुत अंडर वैल्यूड है। डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ 0, कंपनी पे एक पैसे का भी डेट नहीं है। इसका आरओसीई है 15 का, दैट इज़ वेरी हाई, एंड आरओई इज 10 का, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हाई। इसका फेस वैल्यू 10 है और हमें मिल रहा है 11 रुपीज़ में, तो बहुत पोटेंशियल है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बताऊँगा, सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रेंसिक वैल्यू इज़ 97 रुपीज़, वी आर गेटिंग इन ओनली 11 रुपीज़। ग्राम नंबर इज़ 42 रुपीज़, वी आर गेटिंग इन ओनली 11 रुपीज़। तो अभी भी यहाँ से 25 to 30 रुपीज़ जाने का इसमें पोटेंशियल है। इसका प्रोमोटर होल्डिंग है 28% एंड प्रोमोटर ने पिछले 2-3 क्वार्टर में अपना स्टेक बढ़ाया है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट की बात करें, दैट इज़ एक्सेलेंट। सितंबर 2020 में इसका प्रॉफिट था 6 लाख रुपीज़, जून 2021 में बढ़कर हो गया 17 लाख रुपीज़ एंड सितंबर 2021 में बढ़कर हो गया 76 लाख रुपीज़। कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, प्रोमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, कंपनी बहुत अंडर वैल्यूड है। कंपनी का नाम है इंटरएक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। आपको लगेगा फाइनेंस कंपनी है, नहीं, ये आईटी कंपनी है। यू कैन चेक द वेबसाइट इंटरएक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज, IFSL नाम है इसका। यू कैन चेक द वेबसाइट, इट इज़ टोटली आईटी कंपनी एंड काफ़ी अच्छा कंपनी है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, नेक्स्ट BCG भी हो सकता है। तो इसको आप बाय कीजिए एमओ ऑर्डर लगाकर, अभी भी पोटेंशियल है, अभी भी बाय करेंगे तो आप मुनाफे में रहेंगे एंड इसमें काफ़ी अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है। एम ऑर्डर लगाएंगे तो ही मिलेगा, तो यू कैन पुट एम ऑर्डर एंड बाय दिस। दिस कंपनी इज़ वेरी अंडर वैल्यूड एंड आई फील इट कैन गो अराउंड 20 to 25 रुपीज़ फ्रॉम दिस लेवल। थैंक यू।